हेलो एवरीवन, आई एम फराह हसन फ्रॉम फराह हसन ऑफिशियल। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुश आदाब आबाद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। आज हम देख सकते हैं कि अचानक आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, इमीडिएटली क्या लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट कब इज जस्ट मैरिज। आप कुछ लव और जस्टिस एक्सपेक्ट करें आप अपनी पर्सन से। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन चल रहा है जो आप क्लियर कर रही हैं। यहाँ पर करंट सिचुएशन में अगर नज़र आ रहा है कि इमीडिएटली कोई आपके साथ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी मैरिज के अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ जादू बंदिश का मामला नहीं है, कोई लव एक्सप्रेस हो सकता है बिकॉज आपके पर्सन आपको इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, अचानक ही आकर आपको लगेंगे कि इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने लगेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, आपको खुलकर बताएंगे कि क्या क्यों और कैसे हुआ और किस वजह से वो पीछे हट रहे थे। और पैशनेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं नंबर 8, 4, 6, 3 किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। याद रखिएगा 88 के एनर्जीज हैं। 88 पोर्टल हमेशा मैनिफेस्टेशन का होता है, तो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई लव माई लाइफ एंड आई लव माई, अगर आप मेरा नाम लिख सकते हैं अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इन सम डेज यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ बिकॉज कि आप ग्रेटिट्यूड पेश करेंगे जब नेचर को, तो वो आपको रिवर्स में कुछ देगा ज़रूर। तो अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिविटी फैलाएंगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी एंड रियली आई रियली लव यू ऑल। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आवाज़